ते मतलब बहुत मुश्किल होता है मारना भी, जान जाती नहीं है आसानी से, 15-20 मिनट लगते हैं, दर्द भी बहुत होता है. तो दे क्रिएटेड द गिलोटिन. सो इन अ गिलोटिन विद इन अ फ्यू सेकंड्स यू कैन किल पीपल, यू नो. सो दैट इटसेल्फ वाज एन इन्वेंशन. एंड फ्रॉम द गिलोटिन टू द गैस चेंबर्स, यू नो, ऑफ आउशविट्स एंड यू नो बेल्सन एंड ऑल दोज टेरेबल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इज अ डायरेक्ट लाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी. तो इंस्ट्रूमेंटल रैशनैलिटी इज लाइक दैट भस्मासुर. तो आप उससे कैसे बचेंगे? यू कैन ओनली सेव योर सेल्फ बाय रीप्लेसिंग रीजन. तो रीजन के ऊपर क्या है, ये सवाल है. बिकॉज फॉर द वेस्ट देयर इज नथिंग हायर देन रीजन. रीजन के ऊपर है हायर कॉन्शियसनेस, उसको नॉस्टिक कॉन्शियसनेस कहिए, इंट्यूशन, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट. सो नन ऑफ द इंडियन मास्टर्स, मॉडर्न इंडियन मास्टर्स, वेदर इट्स गांधी, वेदर इट्स रमणा, वेदर इट्स रामकृष्णा, वेदर इट्स कृष्णमूर्ति, हु वाज क्वाइट अ रेबेल, ही सेड नो गुरुज. सी, कृष्णमूर्ति सेड दिस गुरुडम इज कॉजिंग अ ब्लॉकेज. और अरबिंदो, गुरु से कल्ट्स बनते हैं. सो द रेडिकल स्केप्टिसिज्म ऑफ द बुद्धिस्ट वाज अडॉप्टेड बाय कृष्णमूर्ति, बट ऑल ऑफ देम सेड देयर इज एन इंटीग्रेटिव विजडम व्हिच इज हायर देन reason which we have to get. And from Vivekananda there's a direct line to Sri Aurobindo, who talked about the supramentalization of the earth as the only way to solve our problems. Because as custodians of the planet, if we do not have the wisdom to protect it and save it and share it with the other species, we are heading to destruction. And you can't have piecemeal solutions, analytical reason, which boxes in a problem, separates it from everything else, is not adequate. You need an integrative rationality or wisdom, which Aurobindo calls supramentalization. That is what is meant by replacing reason. That reason is a good servant, but not a good master. So I will end with that. And we may have some questions. Thank you so much. Thank you.